हेलो गाइस, ये है होंडा एक्टिवा 125 BS6 डीलक्स वाला वेरिएंट। अगर आप गोवा से बिलोंग करते हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि हम आज यहाँ पे आपको दिखाने वाले हैं गोवा का फुल डिटेल्स, EMI कैलकुलेशन, RTO का खर्चा, सब कुछ यहाँ पे आप देखने वाले हो। तो अभी तक अगर आपने अपने छोटे भाई की चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। तो गोवा में इसका एक शोरूम प्राइस है 76,470 रुपया और इसका ऑन रोड प्राइस है 87,123 रुपया। इस ऑन रोड प्राइस में दोस्तों यहां पे आपका RTO का खर्चा, इंश्योरेंस का खर्चा मिला हुआ है। जैसे कि इसमें RTO का खर्चा गोवा में आ जाएगा 9,157 रुपया और इसका इंश्योरेंस का खर्चा आ जाएगा 5,879 रुपया। तो अगर आप इसको 36 मंथ के लिए फाइनेंस कराना चाहते हो तो आपको एक लोन लेना पड़ेगा। जो लोन अमाउंट होगा वो है 68,823 रुपया और आपको डाउन पेमेंट करना पड़ेगा 23,453 रुपया और आपको 3 साल तक मंथली EMI पे करना पड़ेगा 2,203 रुपया। सब कुछ मिला के दोस्तों आपको यहाँ पे टोटल गाड़ी का जो कॉस्ट आएगा वो है 1,02,724 रुपया। दोस्तों ये मैंने आपको जो कुछ भी यहाँ पे दिखाया वो है 10% इंटरेस्ट रेट के साथ दिखाया। इंटरेस्ट रेट अगर आपके शोरूम में बहुत बैंक वालों से या कोई त्यौहार की वजह से ऑफर रहता है, वहाँ पे आपको 10% से कम यानी 5%, 7%, 8% में मिल जाएगा। अगर आप टोटली इंश्योरेंस का बात ही नहीं करोगे, इंटरेस्ट रेट का बात ही नहीं करोगे तो आपको 15%, 13%, 12% तक लगा देगा, लेकिन मिनिमम होता है 10% इंटरेस्ट रेट। तो पहले आप शोरूम में जाके गाड़ी लेने से पहले इंटरेस्ट रेट का बात जरूर करें। दोस्तों इस वीडियो में अगर आपके मन में कोई किसी तरह का बात चल रहा हो, कोई सवाल और सुझाव हो तो नीचे कॉमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, आप जाके बेझिझक कमेंट कर सकते हो। और आशा करते हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।